15 जुलाई 2023 सावन की मासिक शिवरात्रि पर करें 7 काले तिल और 1 दिए वाला महा उपाय। महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर पर होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है, इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना 1 महीने का नहीं बल्कि 2 महीने का होगा, यानी कि सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों तक चलेगा। इसमें 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति के लिए सबसे प्रमुख महीना माना गया है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना अति प्रिय होता है। जो भी शिव भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। कहा गया है कि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया और व्रत से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि के साथ धन और दौलत की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार अगर इस दिन आप 7 काले तिल और 1 दिए वाला महा उपाय कर ले जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उसका साक्षात भी काल आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 122 वर्षों के बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं कि 15 जुलाई 2023 को शनि प्रदोष भी पड़ रही है और इसी दिन सावन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि इस दिन अगर आप व्रत, पूजा, पाठ, उपाय करेंगे तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनि महाराज जी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से शिव पुराण के अनुसार 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके पूजा कर लीजिए, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके भाग्य में ऐसी चमक आएगी जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सावन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने जा रहा है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके लिए स्वर्ग में दरवाजे खुल जाते हैं। कहा जाता है कि सावन मासिक शिवरात्रि के व्रत के दौरान अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको व्रत के समय संतरा, अनार के जैसे जूस आप पी सकते हैं और आप गाजर, लौकी का हलवा तक खा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप सावन मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों में आपका भी नाम शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 15 जुलाई 2023 सावन मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं और उसके साथ 7 काले तिल के दाने और 1 दिए वाला महा उपाय 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी कैसी ही मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी अगर आपने यह उपाय कर लिया तो। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, कोई बीमारी आपको पकड़ के बैठी है उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन आना भी शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। कुल मिला के अगर आपने सिर्फ सावन मासिक शिवरात्रि के दिन जो इस बार 15 जुलाई 2023 को पड़ रहा है उस दिन विधि विधान से शिव पुराण के अनुसार पूजा पाठ कर ली तो मान के चलिए दोस्तों फिर आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिल जाए जिसके बाद आपको जीवन में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन मासिक शिवरात्रि के दिन आप करके लाभ पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं यह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय, और यह अगर आपने सावन मासिक शिवरात्रि यानी कि 15 जुलाई 2023 के दिन उपाय कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना सिर्फ 1 दिन की पूजा से ही पूरी
हो जाएगी। आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे सावन मासिक शिवरात्रि मतलब 15 जुलाई 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना और सफ़ेद ही कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है और उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए। आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का, आपको उसमें डालना है गाय के दूध से बना हुआ घी, आपको उसमें डालना है एक सफ़ेद बाती, आपको लेना है 7 काले तिल के दाने। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेने के बाद उसमें शुद्ध गंगा जल डालना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले आपको यह करना है कि शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आपको भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने आना है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने आपको एक दीपक जलाना है जो आप लेकर के आए हैं। इस दीपक को जलाने के बाद इसमें 7 काले तिल के दाने डाल दीजिए। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम आपको 1008 बार करना है, क्योंकि दोस्तों 108 हो गया, 1008 हो गया, ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है। इतना भर अगर आपने इस सावन मासिक शिवरात्रि के दिन विधि विधान से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, इतना करने भर से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, भगवान भोलेनाथ का आपको वरदान जरूर मिलेगा। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपको सिर्फ यही करना है कि सावन मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह उठ करके नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और गाय के दूध से बना हुआ घी लेना है और इसी से किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। इतना भर अगर आपने कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए, इतना ही करने भर से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा आता जो है वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, या मान लीजिए आपने ऐसा कोई कर्जा लिया है जिसको आप लौटा पाने में असक्षम होते हुए चले रहे हैं और उस कर्ज के माजाल में फंसते हुए चले रहे हैं, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपको अपने आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी। आपको क्या करना है, आपको सावन मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के शाम के बीच में नहाना धोना है, सफ़ेद कपड़ा पहनना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध गंगा जल डालना है। गंगा जल मार्केट में कहीं भी आराम से मिल जाएगा 10-12 रुपए का। और आपको एक काम करना है दोस्तों, उसी गंगा जल में आपको 2-4 बूंद गन्ने का रस डालना है और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है। सिर्फ इतना भर अगर आपने कर दिया जो आपके जीवन में आर्थिक कष्टों में आप लोग फंसे हुए हैं, जिस कर्ज के माजाल में आप लोग फंसते हुए चले रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर प्रकार के इस तरीके के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, फिर आपके जीवन में धन की कमी आपको कभी भी ना हो, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और महादेव जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आपको क्या करना है, 15 जुलाई 2023 के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी नहा धोकर के सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए। आपको लेना है एक मिट्टी का दिया, उसमें डालना है घी गाय के दूध वाला और उसमें सफ़ेद बाती लगानी है। अब आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं और 11 बेलपत्र लेने हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद ये दिया जलाइए, इसमें 7 काले तिल के दाने डाल दीजिए और 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन में ना केवल धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आप खुद देखेंगे जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। मान के चलिए फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है। निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।